अब जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा था विलोम शब्द, इसमें और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शब्द है, जैसे एक शब्द है आपके उर्वर, उर्वर का जिसको इंग्लिश में वन वर्ड में बताए फर्टल, ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है ना, जिसका अगर विलोम शब्द पूछे तो ऊसर, ठीक है, बंजर या अनुर्वर, ठीक है। जैसे शब्द है आपका रित, रित तो अनृत, अनृत यानी होता है झूठा या असत्य, ये तत्सम संस्कृत का शब्द है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे शब्द आता है आपका एहिक, बहुत अच्छा शब्द है, शुद्ध शुद्ध भी पूछा जाता है कई बार, एहिक, ठीक है, इसका जो होगा पारलौकिक, अनहिक नहीं होगा, पारलौकिक, इस लोक का अन्य लोक का, ठीक है। जैसे शब्द है ओजस्वी, ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकालने में दिक्कत आती है या अर्थ भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे शब्द एग्जामिनर जरूर एग्जाम में शामिल करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो निस्तेज, निस्तेज, ठीक है, बिल्कुल। जैसे शब्द है आपके कटु, ये एग्जाम में पूछा गया है, कटु यानी कड़वा, तो जो ऑप्शन थे उसमें जो मधुर शब्द जो ऑप्शन है मीठा, वो आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे शब्द है कलंकित, शब्द है आपके कलंकित, तो इसका होगा निष्कलंक, न कि निष्कलंकित, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जब आप वापस लिखें तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से एकदम आप लिखें। जैसे शब्द है कलुषित, अब ये अर्थ में भी पूछ ले, पर्याय में भी पूछ ले, कलुषित का मतलब होता है जिस पर दाग लगा हुआ होता है, जैसे वाइट कपड़े होते हैं उस पर कोई दाग लग जाता है, ठीक है, तो निष्कलुष, ये रहा, ठीक है। अब जैसे शब्द है कुत्सा, कुत्सा का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी की गलतियां निकालना, तो उसका जो होगा शुद्ध प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। जैसे कुमार्ग, ठीक है, अब आप कहोगे सर कुमार्ग का है ना सन्मार्ग करें, नहीं, कुमार्ग का सुमार्ग होगा, हाँ, सन्मार्ग कभी नहीं होगा, ठीक है, ये चीजें ही आपको ध्यान, आपके कहने से काम नहीं होगा भाई, जो चीज ऑथेंटिक है प्रमाणिक है उसी को आपको मानना पड़ेगा। जैसे कृत्रिम, आर्टिफिशियल, बनावटी, ठीक है, तो प्राकृतिक जो नेचुरल है और अकृत्रिम भी हो सकता है, अब दोनों में से एक आएंगे या ए और बी दोनों होगा, सी ऑप्शन फिर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे क्रश, क्रश यानी होता है पतला दुबला पतला स्टील बॉडी, तो पुष्ट या स्थूल, पुष्ट या स्थूल, बिल्कुल। जैसे क्रिया, अब क्रिया का अक्रिया नहीं होगा, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले जो की जाती है वो प्रतिक्रिया कहलाती है, एक्शन के ऑपोजिट को एक्शन लिया जाता है उसको क्षणिक, ठीक है, क्षणिक का होगा शाश्वत। ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे आगे है खंडन का मंडन, ये बार बार पूछा गया है, खंडन का मंडन, किसी की बातों की मतलब कि अवहेलना करना खंडन है,
और पक्ष करना, उसकी बात को मानना, वो मंडन है। ठीक है, खींचना तो रीझना, खींचना तो रीझना। ठीक है, गणतंत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया एलडीसी में भी और रिट में भी। गणतंत्र का होता है राजतंत्र, गणतंत्र होता है जो जनता का होता है और राजतंत्र राजा का होता है। ठीक है, गरिमा का लगीमा, बहुत अच्छा शब्द है और पूछा गया है, गरिमा तो लगीमा। ठीक है, गहरा उथला, गहरा तो उथला, ऊपर उठा हुआ जो चीजें हैं। बिल्कुल, अब गुप्त का प्रकट, गुप्त का प्रकट, ये जब चीज़ें आप हाथ से लिखोगे तो आपको बिल्कुल याद होगी, और वरना खुद सेल्फ थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए जितना खुद थोड़ा सा आप इसमें और ज़्यादा अधिक अधिक लिखोगे तो बहुत ही चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। अब गृहस्थ, देखिए गृहस्थ तो संन्यास या सन्यासी। अब इसको लिखने का तरीका यही है, ठीक है, अब आप ऐसे लिखो तो ये थोड़ा सा डाउट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद गौरव का लागव, गौरव का लागव, गौरव का क्या होगा मैम? गौरव यानी बड़ा और लागव यानी छोटे लेवल का। ठीक है, ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त का मुक्त, हाँ बिल्कुल। जैसे देखो, अब देखो ग्रामीण का क्या होगा? शहरी नहीं होगा, नागरिक होगा। ठीक है ना, शहरी जो शब्द है वो गलत है। ग्राम्य, गांव में रहने वाला ग्राम्य कहलाता है, और नागर, नागर एक जाति भी होती है ब्राह्मणों की, और नागर यानी नगर में रहने वाला, ये ध्यान रखें। ठीक है, जैसे घात, हाँ प्रतिघात, ठीक है, जैसे देखो छली, निश्छली नहीं होगा, निश्छल होगा। निश्छली मत करना। ठीक है, जंगम, ये शब्द एलडीसी में बार बार पूछा गया पटवारी में, जंगम का या तो होगा स्थावर या होगा जड़। ठीक है, जागृत, सुसुप्त, ठीक है, या सुप्त, जातीय विजातीय, ज्योति का तिमिर, बहुत अच्छा शब्द है, ज्योति का होगा तिमिर, और तिमिर का मतलब होता है अंधकार, न कि विलोम शब्द, प्रकाश का अंधकार होगा, और ज्योति और तिमिर क्यों? क्योंकि ये दोनों शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है ना, अगर तत्सम आएगा तो तत्सम ही विलोम बनेगा, अगर तद्भव है हिंदी का तो हिंदी का ही विलोम बनेगा, अर्थ से कोई मतलब नहीं, ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, ज्योत्सना, ये शब्द शुद्ध अशुद्ध में बार बार पूछा जाता है, ज्योत्सना। ठीक है, इसमें ज आधा है, तो आधा है, स आधा है, ज्योत्सना यानी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, और तमिश्रा, ठीक है बिल्कुल। अब देखो तिमिर का प्रकाश, ये देखो
अगर तिमिर कहवे, अगर तिमिर शब्द का पूछे तो प्रकाश लिखोगे ना कि ज्योति लिखोगे। ज्योति का तिमिर, हाँ ज्योति शब्द का तिमिर है, मगर अगर तिमिर देवे तो उसका प्रकाश होगा ना कि ज्योति होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे अब देखो ये आरिष पूछा गया है तृष्णा, ठीक है, तो वी तृष्णा, दम्भी जो घमंडी होता है अपने अहंकार में होता है वो विनम्र, बिल्कुल ठीक है। दयालु निर्दय, ठीक है। अब जैसे दुष्कर, तो सूकर, देव दानव नहीं होगा, देव का दैत्य, और दैत्य नहीं दे तो फिर दानव चलेगा, ठीक है, बिल्कुल। देवी तो मानुषी, मानुषी यानी देखो देवी यानी जो होती है देवताओं में पूजनीय, तो मनुष्य में जो होती है पूजनीय वो मानुषी कहलाती है, विद्वान स्त्री के लिए, ठीक है ना। अब देखो एक शब्द देखो और देखो, अब देवी, अब देखो हम ये दो मात्रा है देवी, एक देवी है एक देवी, तो आसुरी। अब हम क्या है कि पूछे इसका और विलोम शब्द दे रहे हैं इसका, ये गलत हो जाएगा। देवी मानुषी और देवी तो आसुरी, जो देवी का मतलब क्या होता है, दिव्य शक्तियाँ, देवी शक्ति, हाँ तो आसुरी शक्तियाँ, अर्थ ही अलग हो रहा है भाई, विलोम शब्द तो अलग होगा, हाँ इसीलिए ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये शब्द इम्पोर्टेंट है, दोनों शब्द इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो इसी में ध्यान रखना। जो शब्द है धूमिल, उज्ज्वल, ठीक है, नश्वर तो शाश्वत या अनश्वर, हाँ बिल्कुल, नास्तिक आस्तिक निंदा स्तुति, ये 12th बोर्ड में पूछा गया है, 10th बोर्ड में पूछा गया है, किसी की निंदा करते हैं किसी की स्तुति करते हैं, स्तुति। निमिलन उन्मिलन कर लिखा दिया था, निरपेक्ष सापेक्ष लिखा दिया था, ये देखो निरामिष सामिष लिखा दिया था, ठीक है। देखो निश्चल तो चंचल, चंचल लक्ष्मी के लिए भी आता है, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। नूतन, हाँ तो पुरातन, अर्थ, हाँ देखो नेक, नेक यानी होता है अच्छा, एक आप नेक ठंडा है पया भी दिया करो पर पौन ने जवन के नेक दोषा, ठीक है ना, मगर नेकी बदी, नेक बद, ठीक है, प्राथमिक बेहतर नेकी पर चले, बदी से डरे, पाप से डरे, बुराई से डरे, ठीक है। तो नैसर्गिक तो इसका होगा कृत्रिम,
पतिव्रता जो पति के कहने में चले, हाँ, और कुर्ता उल्टा, ठीक है। परकीय सती तो इसका पवित्र यानी परिभाषित शब्द हो जाएगा ना सर, पवित्रता का सती पतिव्रता, नहीं मैम नहीं होगा, परकीय, परकीय यानी शौकीय। पार्श्विक जो पशु के संबंधित होता है वो पार्श्विक होता है, और मानवी, ठीक है। पाश्चात्य शब्द बार बार पूछा गया है, पाश्चात्य संस्कृति तो या तो पौर्वार्थी होगा, ये होगा पौरस्त्य, पौरस्त्य, ठीक है। पुरोगामी पश्चगामी, पैना भोथरा, प्रकाश वापस आ जाएगा शब्द अंधकार, ज्योति का तिमिर, तिमिर का आकाश, प्रकाश का अंधकार, अंधकार। प्रच्छन्न छिपा हुआ, प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, प्रकट। प्रजातंत्र राजतंत्र, अब देखो प्रज्ञ कहो गणतंत्र राजतंत्र या विज्ञ कहो तो अज्ञ, प्रवेश का निर्गम, प्रवेश का निर्गम, प्रारब्ध, कपौरुष, इंपॉर्टेंट शब्द है। पौरुष यानी होता है इस जन्म के प्रारब्ध होते हैं पिछले जन्म के, बैंक बैलेंस जो होता है कर्मों का वो प्रारब्ध कहलाता है, ठीक है ना। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी क्यों चिंता करे भजले रघुवीर, तो ये वो शब्द है प्रारब्ध। प्रीति किसी से प्रेम, किसी से स्नेह, तो बैर, ये देखो। बर्बर तो सभ्य, ठीक है। अब जैसे शब्द है आपके भावी जो होने वाला है, ठीक है, जैसे भावी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं तो अतीत जो हो चुका, आने वाला समय और बीत चुका, ये देखो ये शब्द पूछा गया है। मर्षण चिकना जो होता है दूध के समान, मलई के समान, तो रुक्ष। महीन इसका प्रयोग शब्द भी है, स्वर दीर्घ संधि है, मही प्लस इन दोनों दीर्घ है, तो मोटा। महीन यानी होता है छोटा सा पतला सा एकदम कण के समान, और मोटा यानी बड़ा। मानव, मानव का क्या होगा भाई, दानव, ठीक है, पशु भी हो सकता है। देखो एक शब्द आता है मितव्य, अब मितव्य का होगा अपव्य, न कि अल्पव्य, अल्पव्य थोड़ी होगा, अल्पव्य तो इसका मितव्य का समानार्थी है, कम खर्च करने वाला मितव्य ही होता है, और ज्यादा खर्च होता है अपव्य,
और मितव्ययी तो इसका समानार्थी है। समझ में आई बात आपके? हाँ, मिथ्या का सत्य, क्या ये चीज मिथ्या है, तो इसका होगा सत्य। मूक का वाचाल, जो कम बोलता है वो मूक कहलाता है, और जो अधिक बोलता है, अधिक बोलने वाला, वन वर्ड भी आता है, अधिक बोलने वाला, ठीक है। मेहमान, होस्ट का जैसे गेस्ट होता है इंग्लिश में, वैसे ही मेजबान या आतिथेय। यथार्थ, आदर्श, वास्तविक जो चीज है, या कल्पित। यौवन, तो बुढ़ापा या वार्धक्य। यौवन बचपन, नहीं मैम, यौवन यानी जवानी होती है। हाँ बिल्कुल। रथ का वीरत, राका, राकेश सब सुना होगा, राका यानी होता है चांदनी रात, और कुहू अंधेरी रात जो होती है अमावस्या की, कुहू। देखो राग विराग, राग का विराग, या द्वेष भी होता है, ठीक है। रीता कहते ना, रीता मत रही जो, खाली मत रही जो, इस संसार में आए हो तो लावो लीजो, खर्ची जो, खाईजी जो, रीता मत ही रही जो। शब्द है लेश मात्र, तो प्रचुर, लेश मात्र यानी बहुत कम, अल्प, मगर प्रचुर यानी भरपूर मात्रा में, अलॉट ऑफ, ठीक है। विकास का हास, विकास का होता है हास। विधि का निषेध, विधि का निषेध, ठीक है। विभव का पराभव, विभव का होगा पराभव, जो दूसरों के अधीन है वो पराभव है, और जो स्वयं के अधीन है, स्वतंत्र है, वो मतलब कि पराभव है। इसके बाद जैसे विरल, बिखरा हुआ, और सघन, विषाद, तो हर्ष या आह्लाद, खुशी, ठीक है। और देखो विषाद का वी प्लस साद, व्यंजन संधि, और इस सौ का षटकोण वाला होगा। व्यष्टि समष्टि सब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है व्यष्टि समष्टि, चाहे ऑप्शन में आया चाहे विकल्प में आया, शब्द पूछा गया है, ठीक है। व्यास का समास, बिखेरना, और समास यानी संक्षेप करना। हाँ बिल्कुल। शाश्वत, क्षणिक, संकीर्ण, छोटी सोच वाले होते हैं ना, वो संकीर्ण कहलाते हैं,
उसका होगा विस्तीर्ण, विकीर्ण नहीं, विस्तीर्ण। ठीक है, सत्कार एलडीसी में पूछा गया है, ऑप्शन में आया सत्कार, तिरस्कार, सदाचारी, दुराचारी। बिल्कुल देखो, शब्द है सायास, अनायास, सूरति, ये सेकंड ग्रेड हिंदी में पूछा गया था, सूरति, नीरति, सूक्ष्म का स्थूल, ये पूछा गया शब्द, जंगम स्थावर और ये पूछे गए, सूक्ष्म का स्थूल, जंगम का स्थावर। ठीक है, सृष्टि का प्रलय, हाँ याद हो गए भाई, देख लो दो तीन बार पढ़े ध्यान से। देखो स्प्रह इच्छा, निष्प्रह अनिच्छा, बिना इच्छा के, स्वकीय, स्वकीय परकीय, तो स्वकीय तो परकीय, और स्वजाति तो वीर जाति। ये आपके जो मैन मैन विलोम शब्द है जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने योग्य आ चुके हैं वो हमने करवा दिए। एक्सरसाइज हम अभी टेस्ट जरूर ले लेंगे आगे।